हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मदेव मंदिर की, जो कि महाराजपुर में स्थित है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार सारे ईश्वर जो है अवेलेबल है, यानी कि जितने भी हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी ईश्वर हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो श्री लक्ष्मी नारायण जी हों, श्री राम जी हों, श्री माता सरस्वती हों, और इसके अलावा जो है आप के माता दुर्गे, जो जिनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा अपरंपार है। और ये महाराजपुर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यहाँ पे राम दरबार बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है राम दरबार बना हुआ है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी, माता सीते और लक्ष्मण भगवान जी जो है अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ये माना जाता है कि यहाँ पे जो है लोग जो मान्यता मानते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे मान्यता मानते हैं, उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा मानने वाला प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे जोड़े बने हैं, यानी कि जो है लोग यहाँ पे जो है मुंह दिखाई भी देखने आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम लड़का लड़की मिलते हैं और मैरिज के लिए, शादी के लिए वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो है विष्णु जी का जो है स्थान भी यहाँ पे माना गया है, प्राप्त है। और ये मंदिर जो है सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी माना गया क्योंकि यहाँ पे जो है जो लोग यहाँ पे मान्यता मानते हैं वो उनकी मान्यता ज़रूर पूरी होती है। ये मेरा सिर्फ बताने का सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पे जो है लोगों को मुंह दिखाई के लिए, यानी कि लड़के लड़की वालों को मुंह दिखाई के लिए रूम दिया जाता है, जहाँ पे आपस में जो है लड़की वाले और लड़के वाले आपस में मिलकर के जो है रिश्ता पक्का करते हैं। तो ये महाराजपुर का सर्वश्रेष्ठ स्थान वाला मंदिर माना गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा नॉलेज एंड फॉर वर्ल्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।